भाई आप सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बार बार नंबर मत मांगा करो कि भाई आपसे बात करना है बात करना है। अगर मुझसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इंस्टाग्राम का टेलीग्राम के, जाकर के ज्वाइन कर लो भाई और मुझसे बात कर सकते हो आराम से। जाओ वीडियो देखो जा करके। पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों का। फेसबुक पेज पर काम करते हो, प्रोफाइल पर काम करते हो भाई, एड्स ऑन रील मोनेटाइजेशन टूल चाहते हो अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई एड्स ऑन रील से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एड्स ऑन रील मोनेटाइजेशन टूल से लोग आज के डेट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आते हैं कि भाई हमारा रीच अच्छा है, हमारा इंप्रेशन अच्छा है, हमको व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, हमारे पास फॉलोअर अच्छा है, हमारे पास लाखों में फॉलोअर है, मिलियन में फॉलोअर है, हमारे पास 50,000 60,000 70,000 फॉलोअर है, उसके बाद भी हमको एड्स ऑन रील नहीं मिल रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये इनविटेशन प्रोग्राम है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में होता है भाई कोई तरीका बता दो, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं आप लोगों को ये बता रहे हैं भाई ये ट्रिक अजमा लो, वो ट्रिक अजमा लो, यहाँ मेल कर दो, वहाँ मेल कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, आपको एड्स ऑन रील मिल जाएगा, ये सीक्रेट ट्रिक अजमा लो आपको एड्स ऑन रील मिल जाएगा। भाई आपको दो तीन तरीके बताऊंगा सिंपल तरीके, इसको अगर यूज़ करते हो अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे भाई एड्स ऑन रील आपको आराम से मिल जाएगा। जो बहुत ज़्यादा आपको किच किच पिच पिच लिबिर लिबिर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग देख रहे हो टिप्स एंड टॉक्स, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और एक चीज़ और बताऊंगा भाई वीडियो को पूरा देखना, और सबकी तरह हर यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोलूंगा भाई कि छोड़ के भाग जाओगे तो आपको नुकसान होगा या आप लोगों को समझ में नहीं, छोड़ के जाओगे तो भी ठीक है, देखोगे तो भी अच्छा भाई, देखोगे तो समझ में आएगा आप लोग समझ में आएगा तो कुछ अच्छा करोगे जीवन में, ठीक है ना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम अगर आप एड्स ऑन रील को प्राप्त करना चाहते हो अपने फेसबुक पेज पे प्रोफाइल पे, प्राप्त मतलब लेना चाहते हो अपने अपने फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे एड्स ऑन रील को, भाई सिंपल रील अपलोड करते समय उस पर कोई भी थर्ड पार्टी सॉन्ग मत यूज़ करना। थर्ड पार्टी सॉन्ग क्या, जिस भी ऐप से काइन मास्टर वी एन ऐप जो भी आपका एडिटिंग ऐप है उससे आप एडिट करते हो अपने रील को ना, तो उसमें कई सारे टोन दिए होते हैं, कई सारे साउंड दिए होते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी साउंड, उसको तो बिल्कुल भी ऐड मत करना। मतलब अपने रील को अच्छा बनाने के चक्कर में कि भाई थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और क्रिएटिव लगेगा, इसके चक्कर में भाई आपको आ जाएगा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर नहीं आता है, हमारे को तो नहीं आता है, बहुत लोग अभी भैया कमेंट करेंगे सर हमको तो नहीं आता है, हमने तो बहुत बार यूज़ किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, 6-6 महीने बाद आता है, 8-8 महीने बाद आता है, 1-1 साल बाद आता है, 12-12 महीने बाद आता है, कोई बात नहीं। अभी नहीं आ रहा तो बाद में आ जाएगा, बाद में रिस्ट्रिक्शन में आ जाओगे, अर्निंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लाल लाल पीला पीला सब हो जाएगा, पेज खराब हो जाएगा। तो पहले ही बता रहा हूँ थर्ड पार्टी सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अभी आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक कर रही होगी, क्या ऑडियो लाइब्रेरी से गाना ले सकते हैं? मैं बोलूँगा भाई ऑडियो लाइब्रेरी से ले सकते हो, लेकिन सोच समझ के ही उठाना, क्योंकि सारे गाने फ्री नहीं होते हैं भाई, सारे गाने फ्री नहीं होते हैं, गाने वही फ्री होते हैं जो भी नए नए कलाकार आए हैं, जिन्होंने भी नया नया अपना एल्बम बना रखा है, वो लोग चाहते हैं कि भाई ज़्यादा ज़्यादा लोग उनके गानों पर रील बनाएं, तो वो लोग आपको शायद कॉपीराइट ना दें, समझ रहे हो ना, वो लोग आपको कॉपीराइट क्लेम ना दें, आपको स्ट्राइक ना दें, आपको परेशान ना करें। लेकिन जो गाने अच्छी कंपनी के हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के हैं, कई नाम आप लोग जानते हो, मैं अब नाम नहीं लूँगा, अब तो बिल्कुल नहीं, कई नाम आप लोग जानते हो प्रोडक्शन हाउस के भाई, उनके अगर गाने आपने यूज़ किए अपने उस पे, अपने रील पे, आपको भाई साहब प्रॉब्लम आनी आनी है। एड्स ऑन रील तो भूल ही जाओ, जो स्ट्राइक आएगी ना अनओरिजिनल कंटेंट की, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की, फलाना की है वो, उसी से आप परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो ना आप लोग। तो साउंड लेना तो पहले बिल्कुल बंद कर दो भाई, समझ रहे हो ना, साउंड को लेना बिल्कुल बंद कर दो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, कई लोग बोलते हैं हमारे बड़े व्यूज़ आते हैं सर, बहुत व्यूज़ आते हैं, मेरे मिलियन में व्यूज़ आए हुए हैं सर, मेरे को उसके बाद भी 800 नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ आपको, व्यूज़ आते हैं ना रील पे, व्यूज़ आ रहे हैं, कंसिस्टेंट आने चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब 5-5 हज़ार आ रहे हैं, 5-20 रील आप अगर आपने अपलोड कर रखी है तो 200 रील पे 5-5 हज़ार ही आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रील पे 1 मिलियन, दूसरे रील पे 2 मिलियन, तीसरे रील पे 100, चौथे रील पे 50, समझ रहे हो ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं क्या है कि कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई मतलब 2-4 वीडियो ओरिजिनल डाल दी, 150 व्यूज़ आया, मज़ा नहीं आया, कोई 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 उन्होंने और रील डाल दी ऐसी वाली कॉपी पेस्ट वाली, उस पर अच्छा व्यूज़ आ गया, वो खुश, अरे यार ये तो सही है यार। तो ऐसा ना, ऐसा काम मत करो, 5,000-3,000 ही व्यूज़ आए आपके, लेकिन आपके कंसिस्टेंट व्यूज़ आए, हर रील पर आपके व्यूज़ आए, ये बात नोट करना भाई। अगर कंसिस्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं, 50-60 आपने रील अपलोड कर रखा है और सब पे 2,000-2,500-3,000 आपके व्यूज़ आ रहे हैं लगातार, 5,000-8,000 आपको एड्स ऑन रील मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, पर आपको अपने व्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा। और फॉलोअर, कई लोग ना ताव देते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, ताव देते हैं मेरे सर इतने फॉलोअर हैं, मेरे तो लाखों में फॉलोअर है, उसके बाद भी ये, मैं आपको बता दूं ये एक इनविटेशन प्रोग्राम है भाई, आपके कितने ही फॉलोअर हो, लाखों में हो, मिलियन में हो, और ताव देने से मुझको, ताव देने से कुछ नहीं हो, ताव का मतलब होता है जैसे मुझको, मुझसे ऊंची आवाज़ में मुझे उल्टा लिखना, मुझे उल्टा कमेंट करना है, मुझे उल्टा बोलना, और मेरे को मतलब कहीं भी इंस्टाग्राम पे जाए कमेंट सेक्शन में मुझको बोलने से अगर एड्स ऑन रील मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, बोल के देख लो, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, अगर
फॉलोवर छोड़ दो, मैंने पर क्या बोला आपको, व्यूज़ पे फोकस करोगे, अगर व्यूज़ पे फोकस करोगे पक्का मिल जाएगा, व्यूज़ पे फोकस करोगे पक्का मिल जाएगा। फॉलोवर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है कि भाई मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि फॉलोअर्स के रोल नहीं होते हैं। कभी कभी किसी लोग अपवाद में बहुत लोग हैं जिनको कम फॉलोअर पे भी मिला हुआ है। अभी भाई बहुत लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भाई हमारा तो कम फॉलोअर थे तो भी हमको मिल गया, तो हाँ सही बात है, कम फॉलोअर पे भी मिला हुआ है लेकिन बहुत लोगों ने मिला है, तो फॉलोअर का भी रोल है, फॉलोअर भी होने चाहिए। बट अब फॉलोअर बहुत जन व्यूज़ मेन चीज़ क्या है, व्यूज़ कंसिस्टेंसी, रोज आपको कम से कम 2-4-5 रील अपलोड करना ही करना है भाई। अगर आप चाहते हो कि मुझे रील एड्स ऑन रील जल्दी जल्दी मिले तो प्रतिदिन कम से कम 2-4-5 रील आपको अपलोड करना ही करना है। और एक काम और कर दो, बस एक काम और कर दो भाई, साउंड मत यूज़ करो, ये तो हो गया ठीक है ना। आपने जो मैंने बताया कि आपको एक दिन में इतने मतलब कंसिस्टेंट आपको व्यूज़ आने चाहिए और इतने रील आपको अपलोड करनी है, मतलब 3-4-5 रील आपको अपलोड करना है, एक काम आपको और करना है भाई, कोशिश करो कि ओरिजिनल काम करो भाई। आज की डेट में अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, अगर आपको मैं बता रहा हूँ आपके मन का एक फितूर में दूर कर देता हूँ, आपके मन में एक डाउट है, कॉपी पेस्ट करोगे, कोई गलत सलत रील डालोगे, कोई 18 कुछ भी गंदी चीज़ डालोगे, आपको भले एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिल जाए, मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी कागज़ बोलो मैं लिख के देता हूँ, एड्स ऑन रील जैसे ही सेटअप करोगे ना, आपको रिस्ट्रिक्शन, मतलब जितनी रिस्ट्रिक्शन होगा ना, जितना अनओरिजिनल, जितने भी आपने देखे होंगे फेसबुक पे जो भी अनओरिजिनल कंटेंट, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, अर्निंग रिस्ट्रिक्शन, डीमोनेटाइजेशन, सब फेस करना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करो कि भाई ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल बड़ी वीडियो बनाते हो ना, उसी में से छोटे छोटे रील आप काट करके अपना बना सकते हो, बात समझे। एक मैंने वीडियो बनाई 8 मिनट की, समझ लो एक मैंने स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग किया, मैंने कोई खाने वाली वीडियो, मतलब किसी में स्ट्रीट फूड उस पे गया, वेंडर के पास गया, कोई अच्छा बना, मतलब इडली डोसा बना रहा था, मैंने उसकी वीडियो बनाई 8 मिनट की, उसमें से छोटे 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 15-15 सेकंड के, 12-12 सेकंड के मैंने 5-6 रील काट के बना लिए। सिंपल तरीका होता है, मेरा लॉन्ग वीडियो भी बन गया, मेरी रील भी बन गई भाई। ये 2-3 तरीके यूज़ कर लो भाई, आराम से एड्स ऑन रील मिल जाएगा आपको। आजकल तो थोड़ा भी एफर्ट आदमी कर रहा है ना, थोड़ा भी एफर्ट कर रहा है, बोनस प्रोग्राम, एड्स ऑन रील आराम से मिल जा रहा है भाई। एक इनस्ट्रीम ऐड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मिलेगा, मैंने आपको बोला ना वो भी मिलेगा, उस पर वीडियो आएगी, वीडियो मैंने कितनी बना दी है, लेकिन उसके भी ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ताव से दिखाऊंगा कि भाई इनस्ट्रीम ऐड भी अब मिलने लगा, लेकिन अभी छटैया चालू है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अरे भाई पास में आ जा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि ओरिजिनल ही करना काम, कॉपी पेस्ट के चक्कर मत पड़ना, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में जो लोग बता रहे हैं आपको, यहाँ मेल कर दो, वहाँ मेल कर दो, ऐसे कर दो, उधर कर दो, ये सिर्फ समझ रहे हो ना, आपका पेज खा जाएंगे, आपकी प्रोफाइल खा जाएंगे, फिर बाद में आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा भाई। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू भाई। अच्छी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना। और एक बात और आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, भाई साहब जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, मेन टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको मेरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू भाई।